हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। आज हम लोग जो है आज के टॉपिक में हम लोग एसी सर्किट्स के बारे में देखेंगे। क्या होता है एसी सर्किट, कैसे हम लोग जो है उनको डील करेंगे, सीरीज सर्किट्स, पैरेलल सर्किट, उससे पहले प्योर सर्किट्स जो होती हैं उनके बारे में, जो 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 शुद्ध सर्किट होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज एसी सर्किट के बारे में हम लोग देखेंगे। एसी परिपथ, आपका एसी परिपथ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। एसी सर्किट्स हम लोग देखेंगे। एसी सर्किट होता क्या है एक्चुअली, इसमें क्या क्या आपका जो है कौन कौन से कंपोनेंट कहाँ कहाँ लगे होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एसी सर्किट का सिंपल सा मतलब है, एसी सर्किट का सिंपल सा मतलब है जहाँ पे कई कंपोनेंट एक साथ, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हो, या उसके साथ और भी जो है फिलहाल कई कंपोनेंट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, इस प्रकार कनेक्टेड हो कि वो एक क्लोज पाथ बना रहा हो और उसमें कोई ना कोई जो है फिलहाल करंट फ्लो हो रही हो, मतलब एक क्लोज पाथ बना रहा हो। तो इस टाइप का जो हमारा एक फैशन होता है, एक जो परिपथ हमें मिल रहा होता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट का नाम देते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि सर्किट और नेटवर्क में डिफरेंस नहीं जानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा सर्किट हमेशा क्लोज पाथ फ्रेम करता है, मतलब उसमें करंट फ्लो होने के लिए प्लेस होना चाहिए। और आपको पता है कि करंट तभी सर्किट फ्लो होता है कहीं पर किसी भी ब्रांच में जब सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है, कंप्लीट सर्किट लिए सर्किट क्रिएट करता है। तो जब हम लोग बात करेंगे एसी परिपथ की, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ मीन्स प्योर रजिस्टिव सर्किट, प्योर रजिस्टिव सर्किट, प्योर रजिस्टिव सर्किट, प्योर रजिस्टिव सर्किट हम लोग देखेंगे, शुद्ध प्रतिरोधी सर्किट, ठीक है ना। प्योर रजिस्टिव सर्किट के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए प्योर रजिस्टिव सर्किट क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक प्योर रजिस्टेंस होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा सर्किट होगा जहाँ पे एक रेजिस्टेंस जुड़ा हो जो एक एसी सप्लाई से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा, एक एसी सप्लाई से जुड़ा होगा, मतलब शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक इंस्टेंटेनियस एसी वोल्टेज होगा जिसका हमारे पास Vm साइन ओमेगा टी, इस तरीके से कुछ आपको फंक्शन देखने को मिलेगा। रजिस्टेंस है आर और इसमें फ्लो होने वाली जो करेंट है आई है। इंस्टेंटेनियस करंट की हम बात करेंगे तो आई ऑफ टी है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। तो ये आपका एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है जहाँ केवल और केवल आर लगा हुआ है, एक एसी सप्लाई यहाँ दी गई है। इसमें जाने वाली करंट अगर हमें निकालना हो, आई ऑफ टी इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी ऑफ टी अपान आर, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और वी ऑफ टी की वैल्यू है वी एम साइन ओमेगा टी अपान आर। यहाँ पे आप देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे फॉर आई टी इज इक्वल टू आई एम, मतलब आई टी आई एम हो इसके लिए साइन ओमेगा टी, इसके लिए साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। मतलब अगर हम बात करें ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। तो अगर हम इस वैल्यू को पुट करें, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई आर हो जाएगा और साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगा फॉर मैक्सिमम वैल्यू। अब वी एम बाई आर की जगह पे अगर हम ये वैल्यू पुट करें आई एम, तो आई एफ टी इज इक्वल टू हमें देखने को क्या मिलेगा, आई एफ टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, हमें वोल्टेज का एक्सप्रेशन पहले से मालूम था, ये हमारा वोल्टेज एक्सप्रेशन है। हमने करंट का इक्वेशन यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया, आई टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब दोनों में हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्या चर्चा होगी हमारी, देखिएगा। जो हमारे पास वोल्टेज का इक्वेशन है वी एफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है,
अगर हम लोग करंट की बात करें तो आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी है, ठीक है। तो आप देखेंगे वोल्टेज और करंट की इक्वेशन में कहीं पर भी आप देखिए दोनों के फेज में कोई अंतर नहीं आया है, दोनों का फेज क्या है, सेम है, ओमेगा टी इसका भी, ओमेगा टी इसका भी है। अंतर क्या आएगा, सिर्फ करंट के मैग्नीट्यूड में आएगा, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कुछ है। अब चूंकि रेजिस्टेंस से डिवाइड हो रहा है वीएम, तो ये मैक्सिमम जो वैल्यू होगी करंट की मैग्नीट्यूड में वोल्टेज की तुलना में कम होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ फेजर डायग्राम की, जो हमारा फेजर आरेख होगा, अगर हम बात करें फेजर आरेख की जिसको आप फेजर डायग्राम बोलते हैं, फेजर डायग्राम, तो ऊपर वाले इक्वेशन से आप समझ पा रहे हैं फेजर डायग्राम क्या होता है। ये जनरली एक आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज लीड लैग है, उस चीज का रिप्रेजेंटेशन होता है फेजर आरेख और फेजर डायग्राम। चूंकि हमारे पास वोल्टेज दिख रहा है तो हम वोल्टेज को रिफरेंस मान लेते हैं, ये हमारा वोल्टेज है वी ऑफ टी, और जो हमारा करंट है चूंकि वोल्टेज और करंट के फेज में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, तो जब भी दो क्वांटिटी सेम फेज में होते हैं तो दोनों एक ही लाइन में बनते हैं या तो एक दूसरे के पैरलर बनते हैं। तो हम इसको आई का हम यहाँ पे इसके पैरलर भी ऐसे दिखा सकते हैं आई ऑफ टी, थोड़ा इसका मैग्नीट्यूड इससे कम रखना होगा, या तो हम इसको इसी में दिखा दें, इसी लाइन में दिखा दें आई ऑफ टी, इसका मैग्नीट्यूड वोल्टेज से थोड़ा कम है। तो फेजर डायग्राम में आप ये चीज़ दिखा सकते हैं, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है फाई की वैल्यू वो क्या है, जीरो है। फाई की वैल्यू क्या है, जीरो है भाई, कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं, तो फाई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। अब फाई की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो प्योर रजिस्टिव सर्किट की अगर हम बात करें, तो यहाँ इसका पावर फैक्टर किसे कहते हैं भाई, शक्ति गुणक। पावर फैक्टर मतलब शक्ति गुणक। देखिए शक्ति गुणक जो हमारा होता है, पावर फैक्टर जो आपका होता है, ये सामान्यतः कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज और करंट, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का जो कोण होता है उसका कॉस होता है, मतलब कॉस फाई होता है, या दूसरे टर्म में भी हम इसको आगे डिफाइन करेंगे किस तरीके से होता है, जब हम लोग एम्पिडेंस ट्रायंगल वगैरह पढ़ लेंगे, पावर ट्रायंगल पढ़ लेंगे, तो वहाँ पे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉस फाई, अब कॉस फाई की वैल्यू कितनी है, जीरो है इसमें, तो कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू होती है वन। मतलब अगर हम लोग बात करें एक रजिस्टिव, प्योर रजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर हमेशा क्या होगा, वन होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, मतलब एक प्योर रजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। किस केस में जब हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल प्योर रजिस्टिव सर्किट है। अब देखिए अगर हमने प्योर रजिस्टिव सर्किट कैलकुलेट कर लिया, इसका पावर फैक्टर देख लिया, फेजर डायग्राम हमने सिंपली देख लिया, फेजर डायग्राम थोड़ा ऊपर बना देते हैं, ये देखिए ये वो वी ऑफ टी है, यहाँ पे आई ऑफ टी है, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड में कम होगा, मैंने बताया क्यों कम होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने वोल्टेज इक्वेशन हमें पता था, रेजिस्टेंस में जाने वाली हमने करंट कैलकुलेट कर लिया, रेजिस्टेंस में जाने वाली हमारा करंट अगर हमें मिल गया तो करंट के बाद अब हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, पावर फैक्टर हमने निकाल लिया। अब पावर फैक्टर मिल गया तो हम लोग पावर की भी बात कर लें, शक्ति की बात कर लें। शक्ति क्या होगी, हम लोग पावर की अगर बात करेंगे तो देखिए पावर क्या होने वाली है, पावर इंस्टेंटेनियस पावर की जब भी हम बात करते हैं, तो देखिए पी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा, वी ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी, मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करेंट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो जाएगा। अब चूंकि हम डेरिवेशन पे जा रहे हैं, डेरिवेशन मुझे पता है कि आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक का समझ लीजिए, बाकी के लिए इजी हो जाएगा, बाकी में हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, बाकी आपको सिंपली जो है फिलहाल समझा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर को अगर हम लिखना चाहें भाई, ये स्क्वायर है, स्क्वायर टर्म हटाना चाहें, तो हम देखिए कॉस टू ए का फॉर्मूला पढ़ते हैं,
कॉस टू है टू साइन ए, आपका जो है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है पढ़ते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर है पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए की जगह पे, साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू ए लिख सकते हैं। तो हम यहाँ अगर लिखना चाहें तो पी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम आई एम वन माइनस, इसको डिवाइडेड बाई टू होगा क्योंकि ये टू में आता है, टू साइन स्क्वायर होता है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस टू ओमेगा टी अपान टू। अब देखिए वी एम आई एम डिवाइडेड बाई टू, और अगर हम लोग बात करें इसमें हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो वी एम माइनस होगा, सॉरी वी एम आई एम डिवाइडेड बाई टू कॉस टू ओमेगा टी। ये तो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर आ गया, इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका एक कांस्टेंट टर्म है, ये आपका एक नियत टर्म है, ये जो है ये टर्म वी एम आई एम ये दिखा रहा है कि प्रतिरोध कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, प्रतिरोध कितना पावर ले रहा है, प्रतिरोध के क्रॉस का पावर क्या होगा, ये इसको दिखा रहा है। अब अगर हम लोग इसकी एवरेज वैल्यू अगर आप निकालें तो ये एक डीसी पावर को दिखा रहा है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट पावर को दिखा रहा है। अगर हम इसका एवरेज निकालें, पी एवरेज अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये जान लीजिए सिर्फ वी एम आई एम बाई टू बचेगा, बाकी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि एवरेज निकालते वक्त जब हम इंटीग्रेशन इसका जीरो से टू पाई कंप्लीट साइकिल के लिए करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, एवरेज पावर में सिर्फ इतना बचेगा। मतलब एक रजिस्टिव सर्किट के क्रॉस एवरेज पावर कितना आता है, वी एम आई एम बाई टू, ठीक है, ये एवरेज पावर की बात कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं वी एम बाई रूट टू इंटू आई एम बाई रूट टू, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों को अगर हम लोग देखें गौर से तो ये वी आर एम एस है और ये क्या है, आई आर एम एस है। मतलब एवरेज पावर हमेशा सर्किट में अगर हमें निकालना है तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब रजिस्टेंस के क्रॉस जब भी हम लोग पावर निकालते हैं तो ये हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। और ये कांस्टेंट पावर था, इसका एवरेज आपका यही रहेगा, ये इसका एवरेज हम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। दूसरी चीज़, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज करंट और पावर की अगर तुलना किया जाए, इसके लिए इक्वेशन, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया जाए, तो आप ध्यान से देखो वोल्टेज का इक्वेशन ओमेगा टी, करंट का इक्वेशन ओमेगा टी, बट पावर का इक्वेशन इज नथिंग बट टू ओमेगा टी। मतलब पावर के इक्वेशन में जो पावर का समीकरण यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ 2 ओमेगा टी है। अब आप इस बात को गौर से समझिएगा कि यहाँ जो 2 ओमेगा टी है, ठीक है ना, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि पावर की फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और करंट की तुलना में डबल है। मतलब पावर की जो फ्रीक्वेंसी है वो वोल्टेज और करंट की तुलना में क्या है, डबल है। क्योंकि हमें पता है क्या, यहाँ पे देखिए जरा गौर से, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो अगर हम 2 ओमेगा की बात करें तो 2 पाई तो भाई दोनों कांस्टेंट है तो दुगुना हो क्या सकता है फ्रीक्वेंसी। मतलब वोल्टेज और करंट की तुलना में पावर की फ्रीक्वेंसी दोगुना है, तो अगर पावर की फ्रीक्वेंसी दोगुना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अगर हमें बनाना पड़ जाए वेव फॉर्म इसका, तो देखिए वेव फॉर्म कैसे कैसे बनेगा। हम वेव फॉर्म बनाते हैं, वेव फॉर्म हम बनाएंगे इसका, क्योंकि हमें पता है कि वोल्टेज और करंट में किसी भी प्रकार का फेज डिफरेंस नहीं है, वोल्टेज और करंट में किसी भी प्रकार का फेज डिफरेंस नहीं है। तो ये देखिए वोल्टेज हमारा ऐसा हो जाएगा, और भी स्टेप में आगे हम बना सकते हैं। करंट अगर बनाना है तो चूंकि करंट हम जान रहे हैं थोड़ा सा मैग्नीट्यूड इससे कम होगा, ये करंट हो गया। अब अगर हम पावर बनाना चाह रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पावर, जब हम बात करेंगे प्लस वी और प्लस आई की, तो पावर जो होगा वो प्लस में आएगा, मतलब प्लस प्लस में, प्लस में आएगा ये पावर। इसी तरीके से माइनस वी और माइनस आई दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। तो ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये जो बड़ा वाला पार्ट है, समझिएगा बात को, ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये आपका किसको दिखा रहा है भाई, ये बड़ा वाला जो पार्ट है ये पावर को दिखा रहा है, ये बड़ा वाला जो भाग है, और इसके अंदर ये जो है ये वोल्टेज को दिखा रहा है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये इंस्टेंटेनियस पावर,
और ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट को दिखा रहा है। अब आप गौर से देखिए कि पावर का मैग्नीट्यूड वोल्टेज और करंट से कहीं ज़्यादा है। मैग्नीट्यूड यही होता है, देखिए ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका, ये इसका। पावर का मैग्नीट्यूड वोल्टेज और करंट से कहीं ज़्यादा है, और इसका जो आपका टाइम पीरियड दिख रहा है, जो आवर्तकाल दिख रहा है, वो 2π दिख रहा है। किसका? वोल्टेज और करंट का, देखिए गौर से। लेकिन आप गलती से यहाँ देखिए ध्यान से, इसका जो टाइम पीरियड है ये सिर्फ पाई दिख रहा है। किसका? पावर का। क्यों? टाइम पीरियड होता क्या है? आवर्तकाल जो आप देखते हैं, इसमें ही आवर्तकाल का मतलब क्या है कि वह टाइम जहाँ के बाद वेवफॉर्म अपने आप को पुनः रिपीट करने लगे। तो ये अब इससे आगे चलेंगे तो वोल्टेज और करंट अपने आप को रिपीट करेगा, लेकिन पावर वाले वेवफॉर्म को देखिए, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ आया और फिर यहीं से रिपीट कर लिया अपने आप को, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? ये रिपीट कर ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये रिपीट कर रहा है, मतलब वोल्टेज और करंट की तुलना में पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है इसमें क्या होती है? डबल होती है। ये बात हमें अतिरिक्त रूप से क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब इसकी समरी हम लोग देख लें। समरी अगर हम देख लें, समरी अगर हम लोग देख लें, सारांश जिसको आप कहते हैं, तो पहली चीज़ जो ये ध्यान रखिएगा, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में, वोल्टेज और करंट समान कला में, मतलब वोल्टेज तथा धारा समान कला में होता है, समान कला में, पहली चीज। दूसरी चीज, शक्ति गुणक का मान एक होता है। तीसरी चीज, औसत शक्ति, एवरेज पावर, औसत शक्ति का मान Vm Im/2 होता है। तीसरा, ताक्षणिक शक्ति की आवृत्ति ताक्षणिक वोल्टेज और धारा की तुलना में दो गुनी होती है। ये समरी में आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका ताक्षणिक यहाँ पे जो पावर है, जो इंस्टेंटेनियस पावर की जो फ्रीक्वेंसी आप देख पा रहे हैं वो वोल्टेज और करंट के तुलना में क्या है? डबल है। ये बात हमें अतिरिक्त रूप से ध्यान में रखना है। तो ये शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में इतनी बातें आपको क्लियर होना चाहिए। इससे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट्स होता है, किसी भी तरीके की समस्या है, तो आप हमारे इंग्लिश वाले वीडियोस को प्रेफर कर सकते हैं। वहाँ पे और भी डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं फिलहाल चीज़ों को, वहाँ पे और भी सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में डिस्कस करने को देखने को मिल जाएंगी। तो ये तो हमारा हो गया शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। अब अगला हम लोग देखते हैं शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, इसको हम लोग मिटाते हैं, उसके बाद आते हैं शुद्ध प्रेरकीय परिपथ पर। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसमें हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन करके हम ऐसे ही किसी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, कैसे औसत पावर निकालना है, कैसे एवरेज पावर निकालना है, कैसे हमें फेजर डायग्राम देखना है, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें नहीं देखेंगे। सिर्फ हम बेसिक आपको बताएंगे कि एक इंडक्टिव सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखिएगा, हमारे पास एक इंडक्टर होगा शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, यहाँ होगा इंडक्टिव, ठीक है। प्योर इंडक्टिव सर्किट की हम बात कर रहे हैं। देखिए, प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमारे पास क्या होता है? एक इंडक्टर होता है जहाँ हमारी एक सप्लाई लगी होती है, ये हमारा इंडक्टर होता है। इसमें हमें कोई करंट, इंस्टेंटेनियस करंट I(t) कैलकुलेट करना होता है। V(t) Vm sin ωt दिया होता है। मोस्टली जो इंस्टेंटेनियस करंट या वोल्टेज होता है उसको हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, तो आप जो है इस चीज़ को ज़्यादा
परेशान नहीं होइएगा अगर कहीं स्मॉल लेटर से दिख रहा है और आप कह रहे हैं सर कैपिटल से आप दिखा रहे हैं, तो उसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको, ठीक है। तो अभी आपके पास क्या है, ये है, अगर हमें करंट निकालना है इंडक्टर के क्रॉस, करंट निकालना है इंडक्टर के क्रॉस, तो आप कैसे निकालेंगे? आप करंट अगर हमें कैलकुलेट करना है इंडक्टर का, तो हमने वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ा है, वोल्टेज वोल्टेज के लिए होता है वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, चूँकि यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, तो हमें करंट निकालना है, तो आई इज इक्वल टू वन अपान एल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन वी एल डी टी, तो हमें वी एल डी टी या वी ऑफ टी, यही हमारा इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे अगर हम आई ऑफ टी कैलकुलेट करना चाहते हैं, देखिए वन अपान एल को रहने दीजिए, यहाँ वी ऑफ टी की जगह पे मैं सिर्फ एक कैलकुलेट करके आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो कैलकुलेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम को हमने कॉमन ले लिया, कॉन्स्टेंट है मैग्नीट्यूड, साइन का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा, इसका जब हम लोग इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, लेकिन ओमेगा टी का हम फिर करेंगे तो अपान ओमेगा हो जाएगा ये चीज़। तो आई ऑफ टी इज इक्वल टू, देखिएगा आई ऑफ टी इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा वी एम अपान ओमेगा एल, माइनस अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको आप सामान्यतः लिख सकते हैं, इसको आप सामान्यतः लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस 90, ये आप लिख सकते हैं, या इसी को आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आप बिल्कुल परेशान नहीं होएगा, घबराइएगा नहीं कि कहाँ से सर ला रहे हैं, ये क्वाड्रेंट से मैथमेटिक रूल से इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर ये रहे तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिएगा हम आई ऑफ टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी एम अपान ओमेगा एल, ओमेगा एल की जगह पे हम एक्स एल लिख सकते हैं, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, यहाँ पे एक्स एल क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, अभी इस पे हम लोग बात करेंगे, प्रेरकीय प्रतिघात, इसका मात्रक ओम होता है, ध्यान दीजिएगा मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो हम यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू लिख सकते हैं। आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम बाई ओमेगा एल, इसको आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम बाई एक्स एल लिखेंगे। अब अगर हमें चाहिए कि ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, अब आप देखिए कि अगर हमें चाहिए इसकी अधिकतम वैल्यू, आई ऑफ टी इज इक्वल टू क्या चाहिए, आई एम चाहिए, तो होना क्या चाहिए कि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू की जो वैल्यू हो वो कितनी आ जाए, वन आ जाए। तो हम यहाँ पे वन अगर पुट डाउन करें तो हमारा आई एम इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वी एम बाई एक्स एल, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, तो आई एफ टी का इक्वेशन आपको जो मिलेगा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 या पाई बाई टू, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया आई का इक्वेशन, वोल्टेज का इक्वेशन देख लिया हमने, करंट का इक्वेशन देख लिया, ये सारी बातें हमें यहाँ पे अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब देखिए हमारे पास वोल्टेज का इक्वेशन हो गया, करंट का इक्वेशन हो गया, आपने प्रेरकीय प्रतिघात भी देख लिया, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फेजर डायग्राम बनाना है, फेजर फेजर आरेख अगर हमें बनाना है, फेजर आरेख, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये हमने कैसे किया, ये जो यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रहा है जिस तरीके से, तो इसको आप बिल्कुल एकदम ध्यान में रखिएगा, जो भी कन्फ्यूजन हो आप हमें तुरंत कमेंट कीजिएगा। देखिए हमारा जो है यहाँ पे फेजर आरेख, फेजर आरेख बनाना है तो पहले हमें वोल्टेज इक्वेशन लिखना होगा Vm साइन ओमेगा टी, और हमें करंट इक्वेशन आई एफ टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90। आप देखिए वोल्टेज के फेज में और करंट के फेज में अंतर है, वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है, लेकिन ओमेगा टी में से 90 माइनस है, मतलब इससे वोल्टेज से करंट 90 डिग्री पीछे चल रही है, तो हमने वोल्टेज को रिफरेंस माना वी ऑफ टी।
अब जो क्वांटिटी पीछे चलती है उसको हम बोलते हैं लैगिंग क्वांटिटी, और जो भी लैगिंग क्वांटिटी होता है उसको रेफरेंस से क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, चूँकि कितना लैगिंग है 90 डिग्री, तो हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे 90 डिग्री, तो आई ऑफ टी कहाँ मिलेगा, आई ऑफ टी यहाँ मिलेगा। मतलब यहाँ आप कह सकते हैं कि वोल्टेज से करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं करंट से वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा है। क्या कहेंगे, करंट से वोल्टेज 90 डिग्री लैग लीड कर रहा है। देखिए यहाँ हम लिखेंगे क्या, वोल्टेज से धारा 90 डिग्री पश्चगामी होती है, क्या होती है, पश्चगामी होती है, ठीक है ना, ये बात हमें ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ दूसरे शब्द में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वोल्टेज से धारा 90 डिग्री पश्चगामी होती है, या यहाँ हम लिख सकते हैं धारा से वोल्टेज 90 डिग्री अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है, ठीक है। धारा से वोल्टेज क्या होता है, 90 डिग्री अग्रगामी होता है। दूसरे शब्द में देखिए, इस बात को समझिए, धारा से वोल्टेज 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो यहाँ पे लीड लैग का कॉन्सेप्ट समझिए, जो भी क्वांटिटी पश्चगामी होता है उसको रेफरेंस से क्लॉकवाइज घुमाते हैं, दक्षिणावर्त जो आपका घड़ी की सुई की दिशा में, और जो आपके पश्चगामी होते हैं जो आपके लीडिंग होते हैं उनको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये बात तो हो गई, अब हम लोग शक्ति गुणक की बात करें, किसकी, शक्ति गुणक, शक्ति गुणक जो आपका होगा वो देखिए पावर फैक्टर कॉस फाई बराबर कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है, प्योर इंडक्टिव मतलब शुद्ध प्रेरकीय परिपथ का जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए कितनी बातें समझ में आई, कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में नहीं होता, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, पावर फैक्टर जीरो होता है। तीसरी बात आप जान लीजिए कि पावर जो होता है, शक्ति जो होता है, शक्ति की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वोल्टेज और करंट से दोगुनी होती है, शक्ति की आवृत्ति, यहाँ पर शक्ति की आवृत्ति वोल्टेज और करंट से दोगुनी होती है, जो हमने पिछले टॉपिक में लिखा है। और नेक्स्ट इसमें कौन सी बात होती है, इसके द्वारा जो एवरेज पावर कंज्यूम होता है वो जीरो होता है, मतलब औसत पावर कंज्यूम, जो औसत पावर इसके द्वारा लिया गया औसत पावर होता है, औसत पावर का मान क्या आता है इसमें, शून्य आता है। औसत शक्ति का मान शून्य आता है। इसका क्या मतलब है, कि एक इंडक्टिव सर्किट हो या आपका कैपेसिटिव सर्किट हो, कोई आपका शुद्ध प्रेरकीय हो या शुद्ध संधारित्री हो, मतलब इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट कभी भी पावर कंज्यूम नहीं करता, मतलब पावर लॉस नहीं कराता है। कौन सा पावर, एक्टिव पावर, दे विल नेवर कंज्यूम द एक्टिव पावर, ठीक है, ये एक्टिव पावर कंज्यूम नहीं करते। एक इंडक्टर जो होता है इसके क्रॉस पावर कंज्यूम होता है, लेकिन रिएक्टिव पावर कंज्यूम होता है। रिएक्टिव मीन्स आपका जो आपका क्यू होता है, आभासी पावर जिसको आप कहते हैं, रिएक्टिव पावर मतलब आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, देखिए क्या क्या इसमें पॉइंट होता है, रिएक्टिव पावर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टिव मतलब आपका होता है जनरली, रिएक्टिव पावर हो गया, रजिस्टिव पावर हो गया, रजिस्टिव पावर तो हमने देखा भी पिछले वाले में, कैपेसिटिव पावर हम लोग देखेंगे, तो इसमें एक रिएक्टिव पावर आता है क्यू, ठीक है, उसकी हम लोग बात अभी करेंगे। देखिए तो इसमें तीन चार बातें थी जो हमने स्पष्ट कर लिए। अब देखिए है क्या हमारे पास, कि अगर हमारे पास एक इंडक्टर है यहाँ कोई वोल्टेज है, जो भी अगर RMS एवरेज वोल्टेज कुछ दे रखा है, हमें XL का मान पता है, मतलब ओमेगा L का मान पता है, हमें करंट निकालना है, तो VM कुछ फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा या V दे रखा होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू VM अपान XL, ये इसमें करंट हो गया, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा है तो, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, करंट आपने निकाल लिया। अगर हमें पावर निकालना हो
तो इसके पावर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई स्क्वायर इंटू एक्सएल, ये हमारा इसका पावर हो गया। अब कब ये पॉजिटिव होता है कब निगेटिव होता है इसकी बात आगे हम लोग करेंगे। तो इसके क्रॉस का पावर जो हो गया ये हो गया पावर कंज्यूम, अगर पूछे इंडक्टर कितना करता है तो आई स्क्वायर एक्सएल जो भी होगा इतना पावर कंज्यूम करता है। चूँकि अभी मैंने बताया कि कोई भी सक्रिय पावर नहीं कर मतलब जो है फिलहाल कंज्यूम करता है, कोई भी एक्टिव पावर कंज्यूम नहीं करता है, तो ये जो पावर लेता है ये कहाँ जाता है, इसके एवेज में ये फ्लक्स उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इंडक्टर, और इसको पावर को ये कंज्यूम करता है, ये पावर को कंज्यूम करता है और इसके एवेज में ये क्या करता है फ्लक्स आपका जो है प्रोड्यूस करता है। ऐसा हमारा जो है प्योर प्रेरकीय सर्किट मतलब प्योर इंडक्टिव सर्किट में होता है। तो ये आप यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं ये हमारा IL होगा, इंडक्टिव करंट होगा, ये हमारा इंडक्टिव जो है रिएक्टिव पावर होगा, इंडक्टिव रिएक्टिव पावर। सिमिलरली अब हम लोग चलते हैं कैपेसिटर पे। देखिए कैपेसिटर के बारे में हम लोग बात जब करेंगे तो वहाँ पे हम अब इतना डिटेल कुछ भी नहीं कराएंगे, हम आपको डायरेक्ट सिर्फ पॉइंट लिखा देते हैं, आपको अच्छे से समझ लेना है। मैंने एक दो का डेरिवेशन से दिखा दिया, पावर का भी आप अगर पावर कैलकुलेट करते तो आपका जो इंस्टेंटेनियस पावर इसमें होता, इंस्टेंटेनियस पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती वो वोल्टेज करंट से दोगुनी होती, लेकिन लेकिन जो औसत पावर आप निकालते एवरेज पावर वो हमेशा ज़ीरो होता इसके केस में। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर होगा, यहाँ पे वी ऑफ टी वी एम साइन ओमेगा टी, जो करंट का इक्वेशन आएगा आई ऑफ टी इज इक्वल टू होगा आई एम ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होगा, मतलब प्लस 90 होगा। ये ध्यान देना है, फेजर डायग्राम जो इसका आएगा, फेजर डायग्राम जो आएगा वो देखिए वोल्टेज हमारा रेफरेंस होगा और करंट इससे क्या होगा आगे होगा, ये फेजर है, ये हमारा फेजर है, ये होगा आई ऑफ टी और ये होगा वी ऑफ टी। यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है, लीडिंग है मतलब धारा वोल्टेज से अग्रगामी है, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है, पहली चीज। दूसरी चीज अभी आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये अग्रगामी है तो शक्ति गुणक क्या होगा भाई, 90 डिग्री अग्रगामी पश्चगामी कुछ भी हो शक्ति गुणक क्या हो जाएगा, तुरंत अग्रगामी हो या पश्चगामी हो शक्ति गुणक जीरो हो जाएगा, मतलब पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री बराबर जीरो, पावर फैक्टर क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। इसमें भी औसत शक्ति जो होती है, औसत शक्ति का मान इसमें भी जीरो होता है, बट जो शक्ति की फ्रीक्वेंसी होती है वो वोल्टेज और करंट की तुलना में, वोल्टेज और करंट की तुलना में क्या होती है दोगुनी होती है। जो इसमें हम लोग शक्ति की अगर हम ताक्षणिक जो आपका पावर होगा ताक्षणिक पावर के मान को अगर हम वोल्टेज और करंट के मान से हम लोग तुलना कराएं, वोल्टेज और करंट के मान से अगर हम लोग कंपेयर कराएं तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि जो ताक्षणिक पावर की आवृत्ति होगी वो आपका क्या होगा ज़्यादा होगा, ताक्षणिक पावर की आवृत्ति क्या होगी ज़्यादा होगी वोल्टेज और करंट की तुलना में, वो कितना होगा दोगुना होगा। तो ये बात हमें यहाँ अतिरिक्त रूप से पता होना चाहिए। और एक कैपेसिटर में अगर बात करें तो एक्स सी आता है, इसका मान होता है 1/ωC, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका भी मात्रक ओम में होता है, इसको हम संधारित्र प्रतिघात बोलते हैं। अगर कहीं किसी सर्किट में इस तरीके से है तो हमें अगर करंट निकालना है तो आई ऑफ सी इज इक्वल टू वी एम बाई एक्स सी, ये निकल गया इसका मान एक्स सी। पावर निकालना है तो ये भी क्यू सी होता है, यहाँ पे रिएक्टिव पावर ये भी होता है, बस लीडिंग रिएक्टिव पावर कैपेसिटर के केस में आता है। तो हम यहाँ आई सी का स्क्वायर एक्स सी, और एक्स सी का मान जान लीजिए एक्स सी इज इक्वल टू 1/ωC, ओमेगा की वैल्यू होती है 1/2πfc। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा,
इंडक्टर के केस में भी होता है, जे भी लगा होता है, तो जे का टर्म आगे हम लोग समझाएंगे। यहाँ पे हम लोग जे ओमेगा टी इसीलिए हम लोग माइनस एक्स सी अक्सर लिखते हैं। तो आगे हम लोग जब अभी सर्किट में जब हम लोग मिक्स सर्किट पढ़ेंगे, दो सर्किट को एक साथ कैसे करें, तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो प्योर रजिस्टिव के बारे में हमें कन्फर्म हो जाना चाहिए, मतलब शुद्ध प्रतिरोधी, शुद्ध प्रेरकी और शुद्ध संधारित्री, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। और यहाँ पे हमने जो है सबके बारे में डिस्कस कर लिया आपसे, सबके जो स्पेशल पॉइंट थे सब में बता दिया। ध्यान दीजिएगा, चाहे प्रतिरोधी हो, संधारित्री हो, प्रेरकी हो, तीनों परिपथों में पावर की जो आवृत्ति होगी, पावर की जो आवृत्ति होगी वो क्या होगी, वोल्टेज और करंट की आवृत्ति से दोगुना होगा, पहली बात। दूसरी चीज़ कि तीनों सर्किट में जो इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट हैं ये पावर कंज्यूम नहीं करता, औसत पावर कंज्यूम शून्य होता है। इसीलिए हम कहते हैं कभी भी जो आपका इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट होता है प्योर, ये कभी भी एक्टिव पावर कंज्यूम नहीं करता, ठीक है। तो कंज्यूम कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध, मतलब अगर रजिस्टिव लोड कहीं लगा है तो वही सिर्फ एक्टिव पावर को कंज्यूम कर सकता है। ये बात हमें अतिरिक्त रूप से ध्यान में रखना है, क्यों, क्योंकि सबका औसत पावर जीरो था लेकिन रेजिस्टेंस का औसत पावर जीरो नहीं आया था, ये हमें जानना है। दूसरी चीज़ कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होता है, प्रतिरोध के केस में वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होती है, इंडक्टर के केस में वोल्टेज पीछे होता है, करंट आगे होती है, कैपेसिटर के केस में। मतलब आप सिंपल एक चीज़ दिमाग में रखिए कि कैपेसिटर में करंट लीड करती है, इंडक्टर में करंट लैग करती है वोल्टेज से, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आपको इसमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कितने डिग्री लीड लैग करती है, 90 डिग्री, जो आपको अच्छे से पता है। तो फिलहाल वीडियो में आज के जो है हम लोग बस इतना ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो में देखेंगे जो भी टॉपिक होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़ 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 आप लोग चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, इस कंटेंट को औरों तक पहुंचाइए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ स्पेशल है, कुछ बेहतर आपको बताया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। और आपको जो है फिलहाल वीडियो को लाइक बिना किए मत जाइए, आप वीडियो देख लेते हैं लाइक नहीं करते हैं, तो फिलहाल एक एटलीस्ट आपका जो है इतना तो फ़र्ज बनता है कि एक लाइक ज़रूर किया करिए देखते वक्त। फिलहाल थैंक यू सो मच।